हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं रियलिज्म को, विच इज एन इम्पॉर्टेंट थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम इसकी मीनिंग, अजम्पशंस, फीचर्स, इम्पॉर्टेंट थिंकर्स और बिलियर्ड बॉल्स मॉडल को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस की एक इम्पॉर्टेंट थियोरी है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कंपेटिटिव और कंफ्लिक्चुअल साइड पर फोकस करती है, क्योंकि इसका मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा देशों के बीच में एक कंपटीशन चलता रहता है पावर को लेकर, और इसी वजह से देशों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इसको पॉलिटिकल रियलिज्म भी बोला जाता है, और इस थियोरी को आइडियलिज्म या लिबरलिज्म का कॉन्ट्ररी माना जाता है, जो कि कोऑपरेशन पर एम्फसाइज करती है, और इसको हमने प्रीवियस वीडियो में समझा भी था। ये स्टेट्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक प्रिंसिपल एक्टर मानती है, और थियोरी के तौर पर जो इसका ओरिजिन हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो हुआ टुवर्ड्स द 20th सेंचुरी। लेकिन इसके बेसिक आइडियाज को थुसिडिडीज के टाइम से ट्रेस किया जा सकता है, जो कि एक 5th सेंचुरी BCE के थिंकर थे, और इनके वर्क हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर में रियलिज्म के कुछ आइडियाज देखने को मिलते हैं। और ऐसे थिंकर जिनका बिगेस्ट इम्पैक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में व्हेन इट कम्स टू रियलिज्म, वो है हैंस जे मॉर्गेंथॉ, जिनके वर्क पॉलिटिक्स अमंग नेशन को रियलिज्म से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। और इसके कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट हैं E.H. कार और राइनोल्ड नीबर। रियलिज्म को हम समझ लेते हैं इसकी अजम्पशंस के थ्रू। अब किसी सोर्स में आपको इसकी 3 assumptions देखने को मिलेगी, वहीं किसी वर्क में आपको इसकी 5 assumptions देखने को मिलेंगी। तो मैंने यहाँ क्या किया है, सारी की सारी assumptions को इंक्लूड कर दिया है, सो दैट आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो जो सबसे पहली assumption है रियलिज्म की, यानी कि जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक आइडिया है, वो क्या है कि स्टेट्स आर द प्राइमरी एक्टर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। स्टेट्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। दूसरे एक्टर्स लाइक इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, उस बात को ये डिनाई नहीं करते हैं रियलिज्म वाले, लेकिन जो उनकी पावर है वो लिमिटेड है, वो इंटरनेशनल सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। ओनली द स्टेट्स हैव द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल सिस्टम एंड हेंस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। दूसरा आइडिया ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज अनार्किक इन कैरेक्टर। अनार्की का मीनिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ भी बता देती हूँ। इट मीन्स दैट देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी और वर्ल्ड गवर्नमेंट। इंटरनेशनल लेवल पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है या कोई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो इंटरनेशनल अफेयर्स को मैनेज कर सके या सॉवरन स्टेट्स के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज कर सके, और इसीलिए ये अनार्किक है। और क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है या वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, तो स्टेट्स जो हैं वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाती है अपनी सिक्योरिटी को लेकर। उनको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर उनको कोई बचाने वाला नहीं है, तो उन्हें अपने आप पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, और इसी वजह से वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पावर को कलेक्ट या एक्यूमुलेट करती हैं ताकि वो सिक्योर बन सके। पावर का इस थियरी पर बहुत ज्यादा फोकस है, और इसके अकॉर्डिंग स्टेट सिक्योर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा पावर चाहती है। नेक्स्ट अजम्पशन इज दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ डोमेन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंड अमंग सॉवरेन स्टेट्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, बिकॉज हर स्टेट पावरफुल बनना चाहती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहती है, और इस वजह से देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, एंड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो लीड टू वॉर। तो ये जो देशों के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोर या सेंटर बन जाता है। तो जहां लिबरलिज्म बात करता था कॉपरेशन की, रियलिज्म बात करता है कॉन्फ्लिक्ट की। नेक्स्ट अजम्पशन इज दैट द स्टेट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आर सॉवरेन यूनिटरी एंड रैशनल एक्टर्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर स्टेट सॉवरेन है, ये फ्री है किसी भी प्रकार के इंटरनल या एक्सटर्नल कंट्रोल से, एक सिंगल यूनिफाइड एंटिटी है
या इकाई हैं, इसके अलावा वो रैशनल भी हैं, उनको पता है उनके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट assumption इज दैट ह्यूमन beings आर egoistic एंड दे desire पावर। रियलिज्म ह्यूमन नेचर को egoistic मानता है, वो मानता है कि ह्यूमन beings जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, egoistic होते हैं, पावर सीकिंग होते हैं। और क्लासिकल रियलिस्ट का मानना है कि इसी ह्यूमन नेचर की वजह से वॉर होती है, जो ह्यूमन बींग्स की सेल्फिशनेस होती है, देयर एपेटाइट फॉर पावर, और जो उनकी इनएबिलिटी होती है दूसरों को ट्रस्ट करने की, दैट लीड्स टू वॉर। इंटरेस्ट एज द बेसिस, हर देश दूसरे देश के साथ इंटरैक्ट क्यों करती है? अपने इंटरेस्ट को सैटिस्फाई करने के लिए। हर स्टेट का प्रयास होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके और उसे अचीव कर सके, और इसी रीजन के लिए वो दूसरे स्टेट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और स्टेट्स के प्राइमरी गोल्स क्या होते हैं? उसके उद्देश्य होते हैं नेशनल सिक्योरिटी, अपना सर्वाइवल और अपनी पावर का एक्सपेंशन। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए स्टेट्स क्या करती हैं? ज्यादा से ज्यादा पावर को एक्यूमुलेट करती हैं। तो ये थी रियलिज्म की इंपॉर्टेंट assumptions। इन बातों को रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में अज्यूम करके चलता है। रियलिज्म तीन टेनेट्स पर आधारित होता है, जिसे हम प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, और इन्हें 3S से भी रेफर किया जाता है क्योंकि ये तीनों के तीनों S से स्टार्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला टेनेट है वो है स्टेटिज्म, जिसका मतलब है कि स्टेट है मेन एक्टर और सॉवरेनिटी उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। हर स्टेट सॉवरेन है, उस पर किसी भी प्रकार का इंटरनल या एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, और हर स्टेट का कंसर्न होता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। बिकॉज डोमेस्टिक स्फेयर में तो वो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, लेकिन इंटरनेशनल स्फेयर में जहां पर बहुत सारी इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर स्टेट्स इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, अनार्की है, और इसी वजह से हर स्टेट कंपीट करती है किस चीज के लिए, पावर के लिए और अपने आप को सिक्योर करने के लिए। अ स्टेट एक्यूमुलेट्स मोर एंड मोर पावर फॉर इट्स सिक्योरिटी। सेकेंड टेनेट है सर्वाइवल। अनार्की की वजह से हर स्टेट का गोल क्या बन जाता है, सर्वाइवल, इंटरनेशनल लेवल पे सर्वाइव करना, अपने आप को वॉर और डिस्ट्रक्शन से बचाना, और इसी वजह से वो अपनी सिक्योरिटी पर वर्क करती है। एंड सिक्योरिटी को अश्योर करना और अपनी पावर को इंक्रीज करना एक स्टेट का गोल बन जाता है, और सर्वाइवल के लिए ही स्टेट्स इन गोल को अचीव करने का प्रयास करती हैं। एंड वॉल्स का मानना है, यहाँ पर बात हो रही है केनेथ वॉल्स की, जो कि फादर ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, उनका मानना है कि सिक्योरिटी एक स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट या हित है। सिंपल सी बात है, अगर एक देश को सर्वाइव करना है उसे अपनी सिक्योरिटी पर वर्क करना होगा, और इसी के लिए वो पावर को एक्यूमुलेट करता है। ये रिलेशन है सिक्योरिटी, सर्वाइवल और पावर के बीच में। और तीसरा टेनेट है सेल्फ हेल्प। इंटरनेशनल सिस्टम में हेल्प करने वाला कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में तो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वहां तो अनार्की है, तो कौन हेल्प करेगा स्टेट्स की? इसलिए स्टेट्स हैव टू रिलाई ऑन सेल्फ हेल्प। स्टेट्स को अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी, क्योंकि अगर उस स्टेट पर कोई हमला करता है या फोर्स का यूज करता है तो उसको काउंटर करने वाला भी कोई नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो अपनी मदद स्टेट खुद ही कर सकता है, इसलिए दे हैव टू डिपेंड ऑन सेल्फ हेल्प फॉर सिक्योरिटी। इसे कहते हैं कि अपनी सिक्योरिटी अपने ही हाथों है। तो ये थे तीन प्रिंसिपल्स या टेनेट्स ऑफ रियलिज्म। इवन कई बार ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि 3S में क्या आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम जानते हैं ऐसे थिंकर्स के बारे में जिनके वर्क में हमें रियलिज्म के आइडियाज देखने को मिलते थे। रियलिज्म तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एज अ थियरी आया आफ्टर द 1930s और द 20th सेंचुरी, बट जब इस पे रिसर्च होने लगी तो ये फाइंड आउट किया गया कि ये आइडियाज तो पहले भी दिए जा चुके हैं, एंड दे डेट बैक टू एज लॉन्ग एज 5th सेंचुरी BCE।
तो ऐसे ही थिंकर्स के आइडियाज के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। तो सबसे पहले थिंकर हैं थुसिडिडस। इनके वर्क हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर में हमें रियलिज्म के आइडियाज देखने को मिलते हैं। इनका मानना था कि वॉर का मेन रीजन होता है फियर या डर, एंड ही बिलीव दैट एंशियंट ग्रीस में इसी डर की वजह से एथेंस ने स्पार्टा पर अटैक कर दिया था। फर्दर वो कहते हैं कि इस डर के पीछे एक और रीजन भी है, और वो ये कि हमें दूसरी स्टेट्स के इंटेंशंस के बारे में कभी पता नहीं होता है, इस वजह से हमारे अंदर एक डर रहता है, एंड हेंस इट लीड्स टू वॉर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ह्यूमन नेचर की वजह से भी पावर स्ट्रगल चलता है। तो एज यू कैन सी, रियलिज्म के आइडियाज देखने को मिलते हैं इनके वर्क में। फिर इसके बाद आते हैं अवर वेरी ओन चाणक्य या कौटिल्य, जिन्होंने अपने वर्क अर्थशास्त्र में, विच ट्रांसलेट्स इनटू साइंस ऑफ पॉलिटी, उसमें उन्होंने बताया है कि एक किंग का मेन उद्देश्य होना चाहिए अपनी स्टेट की पावर को इंक्रीज करने का, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने का, उसे बढ़ाने का, और अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करने का। साथ ही साथ वो सर्वाइवल की भी बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे एक स्टेट सर्वाइव कर सके, ताकि वो आगे के लिए लड़ पाए। और उन्होंने अपने वर्क में फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और वॉर जैसे इश्यूज के बारे में बात करी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंकर है मैकियावेली, जिनका मानना था कि वॉर एंड नॉट पीस इज अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। वो वॉर को एक नेचुरल फिनोमेना मानते हैं वर्ल्ड अफेयर्स में। और अपनी बुक द प्रिंस में उन्होंने बताया है कि प्रिंस की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये होती है कि वो अपनी पावर को प्रोटेक्ट करे, एंड वो बिलीव करते थे कि पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल्स आर सबॉर्डिनेटेड टू पॉलिसीज। पॉलिटिक्स में पॉलिसीज या नीतियां ज्यादा जरूरी हैं बजाय कि प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों के। सो दिस वे रियलिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन हिज आइडियाज। फिर आते हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स का मानना था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट्स कभी भी अपनी सॉवरेनिटी पर गिव अप नहीं करेंगी। फर्दर इट इज इम्पॉसिबल टू एस्टैब्लिश लिवाइथन ओवर लिवाइथन। हॉब्स ने स्टेट्स को लिवाइथन कहा है, और लिवाइथन क्या था? ये एक सी मॉन्स्टर था जिसके पास हाईएस्ट स्ट्रेंथ थी। तो उस वे में हॉब्स कहते हैं कि लिवाइथन के ऊपर हम एक लिवाइथन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिवाइथन के पास यानी कि स्टेट के पास ऑलरेडी हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, और इसी वजह से हम उस पर एक और लिवाइथन यानी कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि स्टेट्स हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं, एंड ऑल्सो उनका ये भी मानना था कि लोग कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अग्री नहीं करेंगे, एज देवर कंसर्न फॉर देयर सिक्योरिटी। वर्ल्ड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होने से उनकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, सो दे विल नॉट अग्री फॉर दैट। तो ये थे ऐसे थिंकर्स जिनके आइडियाज में हमें रियलिज्म देखने को मिलता है। साथ ही साथ दो ऐसे क्लासिकल रियलिस्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो हैं ई.एच. कार और हैंस जे मॉर्गेंथॉ। व्हेन इट कम्स टू रियलिज्म एज अ थियोरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है, और इसीलिए इन्हें इन्वेंटर्स ऑफ क्लासिकल रियलिज्म भी माना जाता है। ई.एच. कार की अगर हम बात करें तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द 20 ईयर्स क्राइसिस, जो पब्लिश हुआ था 1939 में। और इसमें 20 ईयर्स क्या है? द इंटर वॉर पीरियड। जिस साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई उसी ईयर ये बुक पब्लिश हुई। इसमें उन्होंने बताया है कि स्टेट्स को अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी चाहिए, और एक शक्तिशाली स्टेट की पावर को वो रेजिस्ट कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा कर सकते हैं थ्रू एस्टैब्लिशिंग अ बैलेंस ऑफ पावर, जिसमें क्या होता है कि जब एक स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो दूसरी तरफ से 5 या 6 स्टेट्स एक साथ आती हैं और एक बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल रिलेशंस में एस्टैब्लिश करती हैं, सो दैट एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रह सके और कोई भी स्टेट ज्यादा पावरफुल ना हो पाए।
साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि डिसआर्ममेंट या इंटरनेशनल पुलिस फोर्स जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करना एक यूटोपिया है, यानी कि एक आदर्शवादी विचार है, क्योंकि ऐसे आइडियाज इमर्ज होने लगे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो कार इन्हीं लिबरलिस्ट या आइडियलिस्ट आइडियाज को रिजेक्ट करते थे। फिर उसके बाद आते हैं हैंस जे मॉर्गेंथॉ। इन्होंने अपने वर्क पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में रियलिज्म से रिलेटेड 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं, और इन्हीं 6 प्रिंसिपल्स पर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये बहुत जरूरी है, तो इनको हम डिटेल में उसी वीडियो में समझ लेंगे। नाउ कम्स द फीचर्स ऑफ रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। एजम्पशंस और टेनेट्स को समझ लेने के बाद जो अभी एस्पेक्ट्स रहते हैं रियलिज्म से रिलेटेड समझने वाले, उनको हम फीचर्स में समझेंगे। इट इज स्टेट सेंट्रिक व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये एक स्टेट सेंट्रिक व्यू प्रेजेंट करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जिसमें स्टेट्स ही मेन एक्टर्स हैं। जैसे लिबरलिज्म था वो स्टेट्स और नॉन स्टेट दोनों एक्टर्स की बात करता था, लेकिन रियलिज्म मानता है कि सिर्फ स्टेट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टर्स होते हैं। देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर। ये लाइन एक तरीके से रियलिज्म को डिफाइन करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, ये एक पावर का स्ट्रगल है जिसमें सारे देश स्ट्रगल करते हैं पावर के लिए। पावर ही एक देश का एंड है और पावर ही मींस है। नेशंस अपनी पावर को ही यूज करके ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं, एंड हेंस इट एम्फसाइजेस ऑन पावर। नेक्स्ट, देयर इज अनार्की एट द इंटरनेशनल लेवल। ये हम पहले ही समझ चुके हैं, जिसकी वजह से स्टेट्स को रिलाई करना पड़ता है सेल्फ हेल्प पर फॉर सर्वाइवल, और ये कैसे होता है, बाय इंक्रीजिंग देयर पावर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म इज सिक्योरिटी डिलेमा। रियलिज्म मानता है कि स्टेट्स जो हैं दे सफर फ्रॉम सिक्योरिटी डिलेमा। ये टर्म कॉइन की गई थी जॉन एच हर्स द्वारा। डिलेमा का मतलब होता है उलझन, और ये उलझन कैसे क्रिएट होती है, जब एक देश अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाता है, और वो ये ऐसा कैसे भी कर सकता है, वो ये मिलिट्री पावर बढ़ा के भी कर सकता है, तो इससे क्या होता है कि दूसरा देश जो है वो इनसिक्योर फील करने लगता है। उसको ये लगता है कि उस देश ने अपनी सिक्योरिटी इसलिए बढ़ाई है कि वो उस पर हमला करना चाहता है, और इसी वजह से दूसरा देश भी अपनी पावर को बढ़ा लेता है। तो इसी प्रकार एक उलझन की स्थिति, यानी कि एक डिलेमा क्रिएट हो जाता है, और ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि रियलिज्म का मानना है कि स्टेट्स नेवर नो अबाउट द इंटेंशंस ऑफ अदर स्टेट्स। एक स्टेट को दूसरी स्टेट्स के इंटेंशन के बारे में कभी पता नहीं होता है। अब बेशक पहली स्टेट ने अपनी सिक्योरिटी डिफेंस पर्पस के लिए बढ़ाई हो, लेकिन दूसरे देश को तो ये लगेगा ना कि वो किसी ऑफेंसिव पर्पस के लिए भी हो सकती है, और इस सिचुएशन की वजह से देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, अननेसेसरी वॉर भी हो सकती है, क्योंकि इससे स्टेट्स में खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं दूसरी स्टेट उन पे हमला ना कर दे या अटैक ना कर दे। दिस इज व्हाट सिक्योरिटी डिलेमा इज। नेक्स्ट इज जीरो सम गेम। रियलिज्म जीरो सम गेम में बिलीव करता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि एक देश का नुकसान दूसरे देश का एक गेन होता है या फायदा होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक स्टेट का फायदा तभी होगा अगर दूसरे स्टेट का नुकसान हो। म्यूचुअल बेनिफिट्स इसमें पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए देशों के बीच में कोऑपरेशन भी मुश्किल हो जाती है, जिसकी बात लिबरलिज्म करता है। नेक्स्ट फीचर इज दैट कंट्रोल ओवर मटीरियल रिसोर्सेज इज फंडामेंटल टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हर देश का प्रयास होता है कि वो मटीरियल रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर पाए, क्योंकि ये रिसोर्सेज उन्हें पावरफुल बनाती हैं, और इन्हीं रिसोर्सेज के कंट्रोल के लिए तो कई बार वॉर हो जाती है। आपको पता है कि कैसे ऑयल के लिए देशों में वॉर हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, और रियलिज्म इन मटीरियल रिसोर्सेज के कंट्रोल को जस्टिफाई भी करता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स देके। सबसे पहली तो उसमें ये है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्ट्रीब्यूट कर सके रिसोर्सेज को। दूसरी आर्ग्यूमेंट ये कि मटीरियल रिसोर्सेज अबंडेंस में नहीं है, दे आर लिमिटेड। और तीसरी आर्ग्यूमेंट ये
कि मटेरियल रिसोर्सेज का होना एक देश के लिए हमेशा एडवांटेजेस है, इससे देश की नेशनल पावर में इन्हांसमेंट होती है। वही नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज दैट ह्यूमन नेचर इज इगोइस्टिक एंड अनकोऑपरेटिव, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द स्टेट इज अ रैशनल यूनिटरी एक्टर, ये भी मैं बता चुकी हूँ। हर देश का कंसर्न होता है अपने नेशनल इंटरेस्ट से। वही ऐसा नहीं है कि रियलिज्म ये कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। रियलिज्म मानता है कि पीस को प्रिजर्व किया जा सकता है, और वो कैसे? बाय मैनेजमेंट ऑफ पावर। कुछ टेक्निक्स उन्होंने ऐसी बताई हैं, डिवाइसेस बताई हैं, जिनके द्वारा पीस को एस्टैब्लिश किया जा सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इस फैक्टर के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, सो यू नीड टू नो दिस। ये डिवाइसेस हैं बैलेंस ऑफ पावर एंड मेनली डिप्लोमेसी। तो ये फीचर्स होते हैं रियलिज्म के, एंड नाउ आई एम श्योर कि आपको रियलिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है कि ये बिलियर्ड बॉल्स मॉडल क्या होता है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू द बिलियर्ड्स बॉल मॉडल, और ये मॉडल दिया गया था आर्नॉट वॉल्फर्स द्वारा। इसमें बताया गया है कि हर स्टेट एक बिलियर्ड बॉल है, और स्टेट्स क्या है? वो सॉवरन है। तो बिलियर्ड्स के गेम की तरह जहां बिलियर्ड बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं, यहां पर स्टेट्स भी आपस में कोलाइड करती हैं या भिड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। सॉवरेनिटी इज द हार्ड आउटर शेल ऑफ द बॉल। क्योंकि स्टेट्स बॉल हैं, तो सॉवरेनिटी इस बॉल का हार्ड आउटर शेल है। तो जब एक बॉल दूसरी बॉल के साथ कोलाइड करती है या उसको पुश करती है, तो वो सॉवरेनिटी ही है जो स्टेट या बॉल को पावर देती है दूसरी बॉल के कोलिजन के इम्पैक्ट को सहने की। इस मॉडल में ये भी बताया गया है कि नॉट ऑल बॉल्स आर द सेम साइज, यानी कि सभी स्टेट्स एक साइज की नहीं होती हैं। कुछ ज्यादा पावरफुल होती हैं, कुछ वीक होती हैं। इसीलिए जो पावरफुल स्टेट है वो हमेशा वीक स्टेट को पुश करती है, और इसी प्रकार इंटरनेशनल रिलेशंस में कन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस मॉडल को क्रिटिसाइज भी किया गया है, और वो कैसे? ड्यू टू द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस। ये बात करता है कि देशों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। लेकिन वही दूसरा कॉन्सेप्ट आया कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, जो बात करता है कि देशों के बीच में तो इंटरडिपेंडेंस है बजाय की कॉन्फ्लिक्ट के, और जहां भी देशों के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वहां पर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। तो ये कहना तो गलत है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इसीलिए इस मॉडल को क्रिटिसाइज भी किया गया है। रियलिज्म के भी कई स्कूल्स या ब्रांचेस हैं, और इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये था रियलिज्म एज अ थियोरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें हमने इसकी अजम्पशंस को समझा, जो कि मानती हैं कि स्टेट्स प्राइमरी एक्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस अनार्किक होता है, एंड इट्स अ डोमेन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वहीं ह्यूमन बीइंग्स आर इगोइस्टिक एंड दे डिजायर पावर। साथ ही साथ हमने इसके तीन टेनेट समझे, विच आर स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प, और ऐसे थिंकर्स को भी समझा जिनके आइडियाज में हमें रियलिज्म देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस को एक स्ट्रगल फॉर पावर मानता है, एंड इट बिलीव्स दैट स्टेट्स का गोल होता है ज्यादा से ज्यादा पावर को एक्यूमुलेट करना और अपने आप को सिक्योर रखना, क्योंकि किसी भी स्टेट के लिए सर्वाइवल जरूरी है। सो आई होप कि ये थियोरी आपको समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।